हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2021 का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं दोस्तों, तो 2021 के अटेम्प्ट के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो हमारा हर साल चलता है, डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम दोस्तों, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। एंड दोस्तों इसी ही वीडियो में आपको मैं बताऊँगा अबाउट आवर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो आज शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग दोनों ही हमारे मॉड्यूल्स हैं, हम इनको दो साल से चला रहे हैं, ये थर्ड ईयर इसका होगा। एंड अकॉर्डिंगली हमने इसको जो और इसको बेटर करने की कोशिश की है, कुछ जो ग्लिचेस कुछ हिकअप्स थे लास्ट ईयर, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इस बार इसको और बेहतर बनाएं, ताकि और ज़्यादा बच्चे इस बार और ज़्यादा अफोर्डेबल होकर इसको क्रैक कर सकें एग्ज़ाम को 2021 में ही। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले जैसे जो PCM आंसर राइटिंग की बात करते हैं, जो ये थोड़ा ये मेंस ओरिएंटेड रहता है, इसमें हमारा प्लान क्या रहता है दोस्तों, इसमें सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहली जो चीज है इसमें है डेली आंसर राइटिंग, कि हम हर रोज एक आंसर लिखेंगे सब्जेक्ट वाइज। दोस्तों हमारा जो प्री कम मेंस, जो हमारा प्री प्लस मेंस वाला बैच चलता है, उसमें हम आपको हर रोज एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दैट मींस आपके 6 डेज में 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप कवर करते हैं। उसी के हिसाब से ही यही डिजाइंड है मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग। दोस्तों 28 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, मंडे है, मंडे जो डे होता है आपका ज्योग्राफी का है, तो आपके ज्योग्राफी का ये टॉपिक लिखा है, ये टॉपिक आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर कोई सवाल आपको मेंस ओरिएंटेड। देन ट्यूसडे इज़ फॉर हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है। वेंसडे इज़ फॉर पॉलिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ सवाल। थर्सडे को इकॉनमी पर आपको सवाल मिलेगा, फ्राइडे को एनवायरमेंट, एंड देन सैटरडे को इंडिया एंड नेबर्स, दैट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों पूरे आपको 108 दिनों का यहाँ प्लान मैंने जो पहले ही साझा कर रहा हूँ, जिसमें न्यू ईयर और दिवाली की ब्रेक के भी यहाँ पे जो टाइम लिया गया, एथिक्स की कितनी केस स्टडीज़ हैं, एथिक्स के कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ये प्लान है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 108 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 108 डेज के दौरान। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ही जो यूनिक बनाता है इस पूरे प्रोग्राम को, वो एक जो चीज़ है, दैट इज़ टाइम। दोस्तों टाइम का मतलब क्या हुआ, कि टाइम अगर आपने 7 डेज में जो आपको क्वेश्चन मिला, आपने अगर 7 दिन में उसको सबमिट नहीं किया, तो वो आपका क्वेश्चन बंद हो जाता है, देन यू कैन नॉट सबमिट इट फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको ये मंडे को जो 23 नवंबर को आपको सोशल इश्यूज का विमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला, ठीक है, तो 23 तारीख के बाद 7 दिन जो बीतेंगे, जो 30th को हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो 30 तारीख के बाद आप अगर चाहेंगे भी तो भी इसको सबमिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी कारण जो लास्ट टाइम भी हमने देखा, बच्चों में ये बहुत डिसिप्लिन को ओरिएंट करता है। हमने अभी 36 डेज प्लान चलाया, देन 24 डेज का मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि 2020 का जो प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था, बच्चे चाह रहे थे कुछ आंसर लिखना। तो दोस्तों बहुत ही डिसिप्लिन ओरिएंटेड रहता है, कि अदरवाइज हम बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं मैं आंसर लिख दूंगा, तो वो देखते हैं बस वो पाइलअप ही होता जाता है। देन दोस्तों पहली बात तो ये है कि 7 डेज का यहाँ पे टाइम है। देन यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है 1 क्वेश्चन पर डे। दोस्तों अदरवाइज हमने एक बात जो और देखी है, कि जब आपको लिखने के लिए कहते हैं कि 20 सवाल लिख दो, तो 20 सवाल 3 घंटे रोज लिखना इतना बड़ा टास्क लगता है कि बच्चे शुरू ही नहीं करते। इतने सारे बच्चे प्रतिभाशाली हो सकते थे, इतने सारे बच्चे जो पोटेंशियल अपना पूरा डेवलप कर सकते थे, लेकिन वो स्किल ही एक्वायर नहीं कर पाते, एंड अकॉर्डिंगली वो 20 सवालों के भार के तले दब जाते हैं, शुरू ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों शुरुआत करने के पर्सपेक्टिव से भी देखें, एंड दोस्तों अदरवाइज ओवरऑल अगर हम देखें कि हर रोज एक सवाल लिखना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, उसको सवाल को लिखिए एंड देन सवाल को आप सबमिट कीजिए, इवैल्यूएट कराने के लिए बहुत टाइम भी नहीं चाहिए आपको, मैक्सिमम हाफ एन आवर आपको डेली निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड आप ये सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये। देन दोस्तों इसके बाद हम जो यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं, PDF में तो सॉल्यूशंस चलो हैं ही हैं, वीडियो में भी थोड़ा और बेहतर समझा देते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो PDF में पढ़कर भी बहुत खुश हैं, बहुत चाहते हैं कि वीडियो मिल जाए, ठीक है, तो वीडियोज आजकल थोड़ा बेटर चलते हैं, तो इसीलिए वीडियोज में हम थोड़ा बच्चों को स्ट्रक्चर बनाना सिखा देते हैं, कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। दोस्तों वो PDF में भी शामिल रहता है, आपकी मर्जी है, वीडियो तो आपकी कन्वीनियंस के लिए ही है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सिखा देते हैं, कैसे मेंस के आंसर को टैकल करना चाहिए, उस स्ट्रक्चर में आपको कौन सा कंटेंट डालना चाहिए था, वो भी बात वहां पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पूरा जो 108 दिन का प्लान है, अगर अकॉर्डिंगली आप देखिए तो ये 108 दिन आपके जो ये बैच 1 है, ये आपके 10th फरवरी को खत्म हो जाएंगे, वेल इन टाइम खत्म हो रहा है। इसके बाद भी एक बैच होगा, एक महीने के आसपास गैप के बाद बैच 2 रहेगा आंसर राइटिंग का, वो एक और महीना
यहाँ पर आगे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसीलिए मैं आपको ये बात चाहता हूँ बताना और कहना, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट राइटिंग नाउ इज द टाइम, स्टार्ट राइटिंग नाउ। ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपके ऑप्शनल की आंसर राइटिंग चल रही है, चाहे वो आपकी मेंस की जीएस की आंसर राइटिंग चल रही है, दोस्तों दोनों के ही मार्क्स ऐड होंगे तभी ही मेंस में रैंक निकालेंगे हम आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये लेकिन ऑप्शनल और जो जीएस में जो हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं आंसर राइटिंग को, दोस्तों ह्यूमंगस टास्क बनने ही मत दो, किसी भी चीज़ को ह्यूमंगस बनने ही मत दो, अरे इतना सारा काम कौन करेगा। तो ये जो काफ़ी अचीवेबल डूएबल काम करते हैं जो हो जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है एग्जाम में। वी विल नेवर ड्रॉ अ ब्लैंक, हमारा कभी ब्लैंक वहां पे ड्रॉ नहीं होगा, इसमें क्या लिखूं। तो इतने डाइवर्स तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल सवालों की तैयारी कराएं, लेकिन स्टिल दोस्तों यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की भी तैयारी यहां कर लेते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इतना अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया, यूपीएससी में जाके देखते हैं उससे भी ज्यादा कुछ अजीब क्वेश्चन पूछा होता है। ठीक है, तो ये काम करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग बहुत से बच्चे कर रहे हैं ऑलरेडी, मेंस की भी आप शुरू कीजिए यहां पर। ठीक है, अगर आप हमारे पीसीएम का पार्ट हैं तब तो डेफिनेटली आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी ये शामिल है। ठीक है, ये शुरू हो रहा है आपका, जो आपका कल से, ठीक है, ये डेट लगी हुई है। ठीक है, अगर आप सेपरेटली चाहते नहीं, आपने हमने पीसीएम में एनरोल नहीं किया था एक्सेट्रा, तो या फिर आपका वो बैच मिस हो गया था, तो आप अगर आंसर राइटिंग चाहते हैं सेपरेटली परचेज करना, तो ये हमारी वेबसाइट पर मेंस आंसर राइटिंग अवेलेबल है। मैं नीचे कमेंट्स में भी एक इसका लिंक शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली आप वहां जाकर मेंस आंसर राइटिंग परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो ओवरऑल अगर जो 10,000 ही प्राइस है, लेकिन हमने इसको जीएसटी मिलाकर ही प्राइस है, इस बार हम जीएसटी सेपरेटली नहीं, पहले हमारा जीएसटी इसमें ऐड होता था, इस बार हम सेपरेटली ऐड नहीं कर रहे, ओवरऑल ही ये टोटल ही प्राइस है, जिसमें आपको जो डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ पीडीएफ वाला वीडियो और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत एक्सेसिव वाला प्रोग्राम नहीं है कि लिखते रहो दिन के 10 आंसर्स लिखो, दिन के 50 आंसर्स, नहीं दोस्तों, सिंप्लीफाइड रखते हैं, सिंपल रखते हैं, सिंपल चीज़ें ही अचीव हो पाती हैं, एंड थोड़ा 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 सिंपल अचीव करते करते हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेंस की आंसर राइटिंग का। तो दोस्तों अब मैं आपको एक प्री की आंसर राइटिंग के बारे में भी बता देता हूँ, उसका शेड्यूल भी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा प्री की आंसर राइटिंग का शेड्यूल। ठीक है, तो ये प्री की आंसर राइटिंग नहीं होती दोस्तों, प्री की टेस्ट सीरीज होती है। तो ये 2021 की, तो ये जो पहले चार टेस्ट हैं, ये जो फर्स्ट, दीज आर द फर्स्ट फोर टेस्ट्स, तो ये जो पहले चार टेस्ट अगर आप देखें तो ये करंट अफेयर्स है सोली 2019 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों 2019 के करंट अफेयर्स ये के बाद बनी टेस्ट, मैंने प्रीलिम्स तो 2021 में देना है। तो यहाँ पर बहुत जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है मेरे हिसाब से कि जो 2021 में देना है, तो आइडियली हमें पिछले चार साल में जो भी चीज़ें घटी हैं हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहे। बहुत सारे सवाल नहीं पूछ जाएंगे, मैं रिपीट करता हूँ, तीन या चार या हद से हद पाँच सवाल होंगे पुराने सालों के। ठीक है, वरना अदरवाइज पिछले 12 से 18 महीने के सवाल ही पूछे जाते हैं मेजरली। लेकिन यूपीएससी इंक्रीजिंगली ये कर रहा है क्योंकि जो सरकार भी काफी कंटिन्यूअस चल रही है फॉर द लास्ट 6-7 इयर्स नाउ। तो इसीलिए जब ये सरकार कंटिन्यूअस चलती है, स्कीम्स कंटिन्यूअस हो जाती हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं पहले न्यूज में थी, अभी न्यूज में थोड़ा कम है, तो इसी कारण। लेकिन उस वक्त नहीं पूछी गई, यूपीएससी ने उस वक्त आपसे वो सवाल नहीं पूछा, तो वो जो सुपर हॉट और जो सुपर इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी उस वक्त, जो टॉपिक्स थे, उनको नहीं करेंगे। तो वो आपके लिए हम 2019 से तो कम से कम शुरू कर सकते हैं, अगर चलो 2018 और पीछे हो जाएगा तो 2019, पहले जो तीन महीने हैं 2019 के करंट अफेयर्स, वो टेस्ट वन में पूछे जाएंगे, देन आपके टेस्ट टू में, देन अगले तीन महीने टेस्ट थ्री में, एंड देन चार दिन आपके पहले चार जो टेस्ट में ही 2019 का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने ये सवाल उठता है कि मैं इनकी तैयारी कैसे करूं, 2019 की तैयारी मैं कैसे करूं, मैं कैसे पढ़ के टेस्ट दूं। एक जो तरीका है, बहुत सारी कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं, इनफैक्ट हमारी वेबसाइट पर भी कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों मैं कोई बंदिश नहीं डाल रहा आप पर कि स्लीपी क्लासेस की ही पढ़िए, जिस मर्जी आप वेब जो देखिए, बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत अच्छी कंपाइलेशंस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हमारे जो अगर आप देखें कंपाइलेशन प्रीमिक्स में हमने एक्सटेंसिवली करंट अफेयर्स कवर किया था, उसके बाद हमने जो जून ऑनवर्ड्स सो प्री की ओर शुरू कर दिया। प्री की ओर जैसे ही मैं आपको, चाहे आप बोल सकते हैं कि मैं खुद की ही तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जितना एक्सटेंसिवली हम प्री की ओर में सामान कवर कर रहे हैं उतना मैंने किसी भी और जगह पर नहीं देखा। मैंने बहुत जगह सारी जगहों पर देखा भी नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ,
लेकिन मैंने जितना देखा, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, तो इतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं हो रहा जितना प्री क्योर में हो रहा है। ठीक है, प्री क्योर लेकिन आपको मिलेगा जून ऑनवर्ड, जब लास्ट टाइम प्री हुआ था उसके बाद हमने रेगुलरली डालना शुरू कर दिया। जून ऑनवर्ड जो पहले 5 महीने हैं आपके 2019 के, वो आपको देखने पड़ेंगे किसी किसी और कंपाइलेशन में। हमारे वेबसाइट पर भी हैं लेकिन वो थोड़ा इंटरमिटेंट है, मैं उनको इतना अच्छा नहीं मानता, मैं खुद को ही रेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जून ऑनवर्ड्स लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस वहाँ पर कंपाइलेशन प्रीमिक्स और प्री क्योर की अवेलेबल हैं। डेफिनेटली फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा काम की कंपाइलेशन हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम मैं आपको बता सकता हूँ बच्चों ने रैंक निकाला उसको पढ़ के। नॉट ओनली यूपीएससी दोस्तों, वेरियस स्टेट सर्विसेज में पीपल आर क्रैकिंग एग्जाम्स नाउ, क्योंकि कॉन्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्टेंट पर काम कर रहे हैं, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा हम स्ट्रिंजेंट रख लिया हमारा, उसके कारण हमारे साथ टेंशन क्या हो जाती है, जो हमने इतना स्ट्रिंजेंट अपना बार सेट कर लिया कॉन्टेंट का, हमारे जो बहुत सारे बहुत बार ऐसा होता है चीज़ें डिले हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें डिले हो जाती हैं। आज मंडे को आपका लेक्चर था, वो लेट्स से ट्यूजडे को हो जाता है, तो इस कारण चीज़ें डिले हो जाती हैं, क्योंकि मन करता है इसको और बेटर बना दो। ठीक है, तो उसी को ही काम करते जा रहे हैं। मैं आपको जो बोल रहा है, जो ग्लिचेज हमारे उसमें एग्जिस्ट करते हैं पूरे पूरे प्रोसेस में, वो यही है कि कॉन्टेंट की डिलीवरी एक दिन 24 घंटे या 36 घंटे डिलेड रह जाती है कई बार, तो उस कारण बच्चों को जो इनिशियली डिसटिस्फैक्शन फील होती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको टोटल एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ हमारे खुद के प्रोडक्ट का, कि यहाँ पर कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज अगेन यूपीएससी और भगवान के हाथ में। हमारे यहाँ पे हम जो एक जो अपना पूरा प्रोसेस चला रहे हैं, दैट इज अबाउट कंटेंट। ओके, देन दोस्तों हमारा जो टेस्ट नंबर 5 आएगा, टेस्ट नंबर 5 में हम जैसे क्या करेंगे, अब एक एक महीना 2020 का, क्योंकि 2021 के लिए 2020 के करंट अफेयर्स तो हमें बिल्कुल सॉलिड चाहिए। 30 सवाल होंगे जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स, ठीक है, एंड देन हिस्ट्री के टॉपिक्स, ठीक है, एंड देन हिस्ट्री, एंड देन उसके बाद देन फरवरी के आपके करंट अफेयर्स इकोनॉमी के टॉपिक्स, मार्च के करंट अफेयर्स पॉलिटिकल, ठीक है, एंड देन ये ऐसे चलता रहेगा ये पूरा प्रोसेस। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर एक और हिस्ट्री का टेस्ट, उसमें कुछ टॉपिक्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंशियंट मेडिवल आ गई, तो यहाँ मॉडर्न आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे चलते आगे टॉपिक्स वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। देन दोस्तों हमारे आते हैं हाफ लेंथ टेस्ट। हाफ लेंथ टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे आपका यूपीएससी का टेस्ट होगा, यूपीएससी तो आपका सभी के सभी सब्जेक्ट को टेस्ट करेगा, जो ब्रॉडर जो 6 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, 1 हिस्ट्री 2 इकोनॉमी 3 पॉलिटी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस टेक एंड आईआर। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रॉडर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, एंड देन करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स, तो ये सब्जेक्ट रहते हैं। तो हाफ लेंथ में क्या करते हैं, हम 3 सब्जेक्ट का टेस्ट पूछते हैं प्लस करंट अफेयर्स, देन जो बाकी 3 प्लस करंट अफेयर्स, फिर से वो 3 पहले वाले रिपीट करंट अफेयर्स, देन फिर से 3 नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 2 3 एक में डाल दिया, 4 5 6 एक में, देन 1 2 3 देन 4 5 6 ऐसे करते हुए बच्चों के मल्टीपल रेपिटेशन लेकर चलते हैं। बच्चों को बार बार जो डिफरेंट तरह से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन और डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फाइनली अंत में वी विल आस्क यू 5 फुल लेंथ टेस्ट। एंड दोस्तों ये जो अगेन जो हमारे पूरा जो प्री की अगर आप टेस्ट सीरीज देखें, तो प्री की टेस्ट सीरीज इट इज अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट सेपरेटली। अगर आप हमारे प्री प्लस मेंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अवेलेबल आपके पूरे उसमें बंडल में ही पैक है, पूरा पैक में अवेलेबल है, बंडल में अवेलेबल है। लेकिन आप सेपरेटली चाहते हैं उसका आप पार्ट नहीं है, सेपरेटली भी आप जाके हमारी वेबसाइट पर खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी साथ में मिलते हैं, आप विदाउट चाहते हैं थोड़ी सी सस्ती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ कॉस्ट एक्सेट्रा वगैरह सभी शामिल है यहां पर, तो इसीलिए विद एंड विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस की ही आपके पास ऑप्शन होती हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी बस वही है, वीडियो सॉल्यूशन आप सुन लेते हैं, चीज़ें थोड़ा बेहतर दिमाग में बैठ जाती हैं, थोड़ा एग्जाम को ब्रॉडर डिस्कस कर देते हैं हम, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको कोई यहाँ पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए। ठीक है, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड एक टेस्ट सीरीज है, बहुत ही जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहेगी, आपको मेहनत के लिए मजबूर करेगी, वो वाली टेस्ट सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारी प्री की टेस्ट सीरीज, चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज हो। एंड आपके जो मेंस की टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स हैं, वो इवैल्यूएट भी आपको 7 दिन के भीतर वापस हमारी ट्राई रहती है, कई बार 8 दिन 9 दिन भी हुए हैं, लेकिन हमने जो इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस को बेटर किया हमारी, ताकि इवैल्यूएशन कॉम्प्रोमाइज ना हो, इवैल्यूएशन का प्रोसेस बेटर बनाने की कोशिश की। तो बस यही एक अटेम्प्ट है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, बेहतर से बेहतर इवैल्यूएशन मिले, बेहतर से बेहतर आपको टेस्ट्स मिले, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको तंग ना करे, अरे ये क्या पूछ लिया, आपको बताओ कि हाँ पूछ सकते हैं, ठीक है, लेट मी हैंडल इट, आई विल स्टे काम, ठीक है, आई विल नॉट रियली गेट वर्कड अप। ठीक है, तो वर्कड अप नहीं होंगे, अगर आप काम रहेंगे तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी टैकल की जा सकती है, और यही एक तरीका है आपको यूपीएससी क्रैक करने का, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरव्यू। दोस्तों ओवरनाइट आप काम नहीं हो जाते ना, ओवरनाइट आपको एकदम दिमाग शांत करना नहीं आता, आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा थ्रू आउट। ठीक है दोस्तों, चलिए
मिलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज में और अपने जो वेरियस कोर्सेज में, अपने यूट्यूब के वीडियोज में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए, बाय बाय दोस्तों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।